हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक और फुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बनास नदी की जो सारे क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान एसआई में आपके बहुत काम में आएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। दोस्तों, तीन क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास, चार, उसमें आंसर बताना है। खमनौर, जनापाव, गोगुंदा, नागपाड़िया। तो उसका आंसर है खमनौर। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, सॉरी इसमें मिस्टेक मिसप्रिंट हो गई दोस्तों, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी, माही। बनास नदी दोस्तों। बनास नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, ये बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछ लेते हैं। तो वनक्यासा, वर्णासा, विशिष्टि, ये तीनों इसी के नाम है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, झाड़ोल सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल, जाखम, बनास, सोन, कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर होगा बनास नदी। पांचवा क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी दोस्तों आपको पूरी तरीके से खोल के। तो मेनाल नदी, मानसी, कोठारी, कालीसील, डाई, बेचड़, इन सभी की ट्रिक मैंने आपको बताई थी दोस्तों। तो आप भूलना मत, मैना, मानसी को काली डाई बेच सोख दी, इसकी ट्रिक थी दोस्तों। तो इसमें आपको सारी नदियां याद हो जाएगी, आप वीडियो देख लीजिए इस ट्रिक का। छठा क्वेश्चन है, बनास नदी के त्रिवेणी स्थल कहाँ कहाँ है? कौन, बिगोद, भीलवाड़ा में भी है, देवली, बिसलपुर, टोंक और रामेश्वर, स्वाई माधोपुर, इन तीनों जगह मिलती है और तीनों जगह तीन तीन नदियाँ मिलती है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि बिगोद, भीलवाड़ा में कौन कौन से तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है। तो बताइए दोस्तों, कौन कौन से तीन नदियों का संगम है, पढ़ लीजिए आराम से। डाई, खारी, बनास, चंबल, बनास, सीफ, मेनाल नदी, बनास, बेचड़, और चौथा है माही, चंबल, बनास। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों मेनाल नदी, बनास नदी, बेचड़ नदी। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि बिगोद त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी तीन नदियाँ संगम होती है। तो बीघा, बील, मेन, बन, बेच दिया। इसकी ट्रिक हो गई कि बीघा, बील, मेन, बन, बेच दिया। तो बीघा से बिगोद, भीलवाड़ा याद रखना, बीघा, बील से, मेन से, आप इस ट्रिक को देख लो। देवली, बिसलपुर, टोंक, त्रिवेणी संगम, बीच, डाई, खा, बन गया, आराम से याद हो जाएगी। डाई, खारी, बनास और देवली, बिसलपुर। चौथी जो अपना त्रिवेणी संगम है रामेश्वरम, उसकी ट्रिक हो जाएगी त्रिवेणी संगम की, रामेश्वर, चंबल वन में सीप ढूंढा, क्या है, चंबल वन में सीप ढूंढा, इसकी ट्रिक ये है, चंबल, बना, सीप। आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? पार्वती, गंभीरी, बेचड़, जवाई, आसान सी ट्रिक है, आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे। नवा क्वेश्चन है दोस्तों कि बेचड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोगुंदा, खमनौर, जनापाव, नाग। तो इसका आंसर है दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियाँ। दसवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनास नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है? इनमें तीन बांध बने हुए हैं और एक बांध नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों, इसमें मोरेल, सुईवाल, इसरदा बने हुए हैं, जवाहर सागर नहीं बना हुआ। तो दोस्तों, सुनने टू इन्फिनिटी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।